पानी ले ले और इसमें एक चम्मच एक्टिवेटर, आधा चम्मच नींबू, दो छोटे चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड, शैम्पू शहद एक चम्मच डाल देंगे। पहले के जमाने में कुछ नहीं था इसलिए अपने को इतना कुछ डालना चाहिए था, लेकिन ये शैम्पू में हर चीज है। शैम्पू में क्या है अपना, शैम्पू तो है, हनी है, नींबू है, एक्टिवेटर है, सब है, इसलिए अपन ये 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे इसमें। और ये अपना सॉल्ट है, ये नहीं डाले तो भी चलेगा, हल्का सा ये डाल दें, ये 2 चम्मच। तो किट लिए अपन ने, आप नॉर्मल शैम्पू भी डाल सकते, जिनके पास किट है वो दिन निकालो और देखो क्लीन दिन कौन सा है। 1 चम्मच लेना, देखो दिख रहा क्लीन दिन 1 स्पून लेना। दिखता नहीं वीडियो, नहीं दिखता बस। अपन ने 3 दिन किए।
ये स्क्रब है कि स्क्रीन में ये स्क्रब है अपन पूर्ण हाताला करू शकतो ना हो पण क्लायंटला पूर्ण हाताला नाही करायचं क्योंकि क्लायंट इतने पैसे नहीं देंगे ना पूरा हाथों करेंगे तो प्रिंट ज्यादा लगेगी बस यही तो हां मेन मैनिक्योर यही तो की रहता बस लोगों की डिमांड रहती करके अपन हाथ तक करके देते हैं ये कितनी चार्ज है 400 500 है प्रेशर के साथ हाथ घुमाने से वेल नहीं निकलेगा और बस सर्कुलेशन ही नहीं करना यहाँ पे क्रिस क्रॉस भी कर सकते दिख रहा करना रहा तो इनको पूछना इतना प्रेशर ठीक है क्या यार प्रेशर कम करो किसी किसी को दर्द होता बॉडी को दर्द है अच्छा लग रहा है ये 5 मिनट कर और स्क्रब हल्का सा ही लेना क्योंकि दाने बहुत रहते स्क्रब में और ये मसाज के लिए अभी 10 से 15 मिनट करना क्योंकि इसको अपने को ऑब्जर्व करना है ये 10 से 15 मिनट करना है स्क्रब कितने मिनट करने का क्रीम ऑब्जर्व ओपन देगा हम हां 5 5 से 6 मिनट स्क्रब करना है दूसरा भी ऐड कर सकते हैं ये वाला सबसे बेसिक और सिंपल है और एक ही प्रेशर के साथ प्रेशर पॉइंट देना है तभी मसाज पॉइंट देना नहीं तो अपना हाथ नहीं घूमे सबसे ज्यादा गंदगी अपने नाखून के ऊपर होती है ये नाला करूं देते हैं ये मुखा की मदद से इसको क्लीन करना क्लाइंट
तो कुछ में तकलीफ हो रही है।